अरे वाह, मेरा CS ET क्लियर हो गया। अरे वाह, गुड, ग्रेट। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मैं जून 2021 में बोथ मॉड्यूल के लिए अपेयर हो पाऊंगा या सिंगल मॉड्यूल के लिए अपेयर होऊंगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये जिस दिन CS ET का रिजल्ट आया है उस दिन से सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे जून अटेम्प्ट में बोथ मॉड्यूल मिलेंगे या जून अटेम्प्ट के लिए सिंगल मॉड्यूल मिलेंगे। तो बच्चों, प्लीज डोंट वरी, मैं आपको ये सारी चीजें बताने आई हूँ कि आपको जून 21 में सिंगल मॉड्यूल मिलेगा या जून 21 में बोथ मॉड्यूल के लिए आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहले जल्दी से बिना वेट किए मेरा दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन, हर डेमो क्लासेस को आप इंजॉय कर पाओ। बच्चों, मैं यूट्यूब पे अभी CS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कई वीडियो डालने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना वेट किए बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब करो फटाफट। अब आते हैं हमें जून 2021 में सिंगल मॉड्यूल के लिए एलिजिबल रहेंगे या बोथ मॉड्यूल के लिए। तो बच्चों सुनो, सबसे पहले आज मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट जून अटेम्प्ट है, जिन्होंने अभी CS ET क्लियर किया है, जिन ये लेक्चर उनके लिए भी अगस्त वाले, जिन बच्चों ने अगस्त में क्लियर किया और जिन बच्चों ने नवंबर में क्लियर, हालांकि अगस्त वाले बच्चे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके होंगे। नवंबर वाले बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो कि हम जून में बोथ मॉड्यूल दे, तो बेटा अगर आप बोथ मॉड्यूल देना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 नवंबर है। आज है आपका 28 नवंबर, 2 दिन आपके पास और बचे हुए हैं। 2 दिन में इमीजिएटली अगर आप रजिस्टर्ड करवा देते हो, 30 जून तक अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देते हो, देन यू विल बी एलिजिबल इन जून अटेम्प्ट फॉर बोथ मॉड्यूल। आप दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो गए। बट अगर आपने 30 नवंबर 2020 तक अपने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अगर अपने आपका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आप सिर्फ जून में एक मॉड्यूल देने के लिए एलिजिबल रहोगे। बेटा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैडम बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप। मैं क्लियर बताऊंगी, अगर आप 5 से 8 घंटे की सेटिंग देते हो रेगुलर बेस पे, अगर आपको लगता है मैं 5 to 8 hour की सेटिंग दे सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको बोथ मॉड्यूल के लिए देना चाहिए। बोथ मॉड्यूल में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप बोथ मॉड्यूल देते हो, फॉर एग्जाम्पल ईच मॉड्यूल कैरी 400 marks, हर मॉड्यूल में 4 subjects होते हैं, 50% लाना कंपल्सरी होता है, यानी 400 का 50% कितना होता है भैया, 200 होता है। बाई चांस मॉड्यूल 1 में 210 आते हैं और मॉड्यूल 2 में आपके कितने आते हैं, 190 आ जाते हैं, ठीक, तो भी आपका बोथ मॉड्यूल क्लियर हो जाते हैं। सेट ऑफ का, एग्रीगेट सेट ऑफ का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको, देखो, अगर सिंगल मॉड्यूल देना है तो आपको कम टाइम देना होगा, अगर बोथ मॉड्यूल देना है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होगा। थोड़ा सा टाइम मैडम कितना ज्यादा देना होगा? अरे कुछ नहीं, ज्यादा नहीं देना, सिर्फ आपको 5 to 8 hour की सेटिंग देनी है, इंक्लूडिंग क्लासेस, अपनी क्लासेस सहित देनी है, तो आप बोथ मॉड्यूल इजिली क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ डेट है 30 नवंबर, अगर आपने 30 नवंबर से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर बोथ मॉड्यूल, अदरवाइज आप केवल सिंगल मॉड्यूल के लिए ही एलिजिबल रहोगे। अब बोथ मॉड्यूल की डेट 30 नवंबर 2020, लेकिन अगर आप सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो, अपने पास प्रॉपर टाइम है, उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। अब चलते हैं बच्चों आगे। मैडम फीस क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन ICSI की ऑफिशियल साइट पर जाना है। अभी मैं थोड़ी देर से रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बता दूंगी, ध्यान से सुनते चलना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। CS एग्जीक्यूटिव की फीस है, चाहे आप सिंगल मॉड्यूल दो चाहे आप बोथ मॉड्यूल दो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, 10,100 का ही करवाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन बोथ मॉड्यूल का करवाना होगा। फिर मैडम, अगर हमने नवंबर तक रजिस्टर नहीं करवा तो हम तो एलिजिबल सिंगल मॉड्यूल के लिए होंगे। बिल्कुल बच्चा, तुम एलिजिबल सिंगल मॉड्यूल के लिए होगे, लेकिन आप सिंगल मॉड्यूल के लिए एलिजिबल रहोगे तो दिसंबर में आप सेकेंड मॉड्यूल दोगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फीस तो 10,100 ही भरनी है। साथ में अगर आप जर्नल लेना चाहते हो तो ऑप्शनल फीस है 500 रुपए, टोटल फीस 10,600 रुपए, 500 ऑप्शनल है, ठीक ठीक है।
आप रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको icsiedu.com की साइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, अभी मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कैसे। आप ICSI की साइट पर, ध्यान से सुनना, आप icsiedu.com की साइट पर जाओगे तो आप होम पेज पे आपको ये ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगी। ऑनलाइन सर्विसेज में रजिस्टर फॉर CSET आप क्लियर कर चुके हो, रजिस्टर फॉर CS कोर्स पे जाओगे। जैसे ही आप रजिस्टर कोर्स, आपसे ये पूछेगा, बिफोर द प्रोसीडिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज मेक श्योर डेट यू आर रेडी फॉर सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन अबव। आपसे ये पूछेगा, ये सारी चीजें आपके पास रजिस्ट्रेशन से पहले सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होनी चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, CSET का सर्टिफिकेट और आधार प्रूफ में वोटर ID, ये सारी चीजें जो चीजें बताते जा रहे हैं वो होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप इस पे इमीजिएटली कॉल करो, हमारी टीम आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहेगी। हाँ बच्चों, 24/7 जब आप इन सब पे क्लिक कर दोगे, आपके पास ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में आपसे सारी चीजें पूछेंगे, इसको फिल कर देना, देन आप जाओगे नेक्स्ट पे। दोन आपको ऑनलाइन सबमिशन फीस मांगेगा, ICAI ऑनलाइन सबमिशन की नेट बैंकिंग के थ्रू जाएगा, 10,100 या 10,600 आपको भरनी होगी। 10,600 में आपको फिर उसके बाद, लेकिन एक के बाद जरूर याद रखना, आप अपनी मेल ID वैलिड डालना, क्योंकि यहाँ जो आपकी ID रजिस्ट्रेशन पे जनरेट होगी, ID वही ID आपके फ्यूचर करस्पॉन्डिंग में काम आएगी। इसीलिए अपना मेल ID सही डालना और वही मेल ID डालना जिस पे आप रेगुलर बेस पे एक्सेस करते हो, ठीक। तो बच्चों, अगर आप बोथ मॉड्यूल लेना चाहते हो, वेट मत करो, इमीजिएटली ICSI की साइट पे जाके रजिस्टर्ड करवा दो। लेकिन अगर आप सिंगल मॉड्यूल देने में इंटरेस्टेड हो तो आप 31 जनवरी तक आराम से करवा सकते हो। अब बात रही हमारे दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के बैचेस की। बच्चों, दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के CS एग्जीक्यूटिव के न्यू बैचेस 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। हमारे पास दो प्रोग्राम्स है, एक है ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोग्राम और दूसरा है रिकॉर्डेड प्रोग्राम। कई बच्चे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उसमें कोई भी डाउट आता है, डाउट को अपने टीचर्स को व्हाट्सअप करते हैं और टीचर्स, बट ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स के पास टाइम नहीं रहता इतना कि वो डाउट्स को आपको सॉल्व कर पाए। बड़े CSET में भी फ्रस्ट्रेटेड थे। हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम की तरह ही मिलेगी, हम आपके साथ फेस टू फेस होंगे। हाँ बच्चों, फेस टू फेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस का टाइम है 11 बजे से मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगी, ऑनलाइन आप अपने घर पे मुझे मिलोगे, मैं अब मेरे को दिख पाओगे 11 से लेके फॉर एग्जांपल हमारा 3 बजे तक का स्लॉट है। हमारी हर टीचर 11 से 3 तक आपको ऑनलाइन मिलेगा। आज आप, और जैसे ही आप, हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं टैक्स पढ़ा रही हूँ, आपको टैक्स में दिक्कत आ, प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट सैलरी में पर्की साइट्स ही क्यों है, ये अलाउंसेस क्यों नहीं है, कई प्रॉब्लम अगर आ रही, आप इमीजिएटली मुझसे पूछो, उसी समय क्लासरूम में पूछो और इमीजिएटली मैं आंसर दूंगी। साथ में अगले दिन आते से ही, जिस तरीके से क्लासरूम में पूछा जाता है, अगले दिन आते से ही पहले आपसे डाउट्स लिए जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ऑनलाइन क्लासरूम का बेटा यही फायदा होता है, क्योंकि बच्चा रिकॉर्डेड देखे, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड बहुत लेक्चर अवेलेबल है, बेटर है रिकॉर्डेड देखने की जगह, पैसे भरने की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट देख लो, मेरे ही बहुत यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन बेटा मत करो ऐसा, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ो, टीचर के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करो। अगर तुम मेरे, आप अपने सीनियर्स से पूछोगे तो सीनियर्स अभी जो लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनको कहीं कभी फील नहीं हुआ यार हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, उन लोगों को हमेशा लगता है यार हम तो क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ, जिन बच्चों को अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर की भी दीपशिका क्लासेस फैसिलिटी आपको दे रही है, मैं आपकी टीचर। अब मैं एंड में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपा देवानी एंड 18 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और मुझे सबसे लीस्ट एज में CA और CS बनाने के लिए इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इंटरनेशनल आइकॉन अवार्डेड से सम्मानित किया जा चुका है CA और CS के लिए।
ठीक। उसके अलावा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की गेस्ट फैकल्टी हूँ और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की भी गेस्ट फैकल्टी रह चुकी हूँ। मैं आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरे दो सब्जेक्ट रहेंगे और दोनों सब्जेक्ट बड़ी बात एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। ये टैक्सेशन और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा। हर चैप्टर के मैं 200-200 एमसीक्यू करवाती हूँ और मेरे एमसीक्यू के अलावा कहीं से पेपर नहीं आते। लास्ट जितने टाइम से एमसीक्यू का लेवल चला रहा है ये रिकॉर्ड रहा है। साथ में मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप पढ़ते हो ढंग से सलीके से मेरे साथ पढ़ते हो मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपके 90+ कहीं नहीं गए। ठीक। तो और लेकिन अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है चाहे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है चाहे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस पे जाना है। दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के मैडम कैसे जाएं दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पे दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के नाम से सर्च करना। आपको दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे तो आप हमें ज्वाइन कर लोगे और हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक। हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम पे जाती है नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रॉल करो, हमारी टीम आपके साथ अवेलेबल है। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है आई एम फ्री 9:00 रात को। मैं 9 बजे फ्री रहती हूँ 9 बजे फ्री रहती हूँ 9 PM ऑनवर्ड्स 9 PM टू 12 आप किसी भी समय चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। व्हाट्सअप तो 24/7 कर सकते हो लेकिन 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी डाउट चाहे रजिस्ट्रेशन डाउट हो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो चाहे कोई भी चीज हो इंक्वायरी हो कर सकते हो। ठीक। तो 1 December से हम मिल रहे हैं डेमो क्लासेस के लिए। एक बात बेटा बच्चे याद रखना तुम्हारा कैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीएस एग्जीक्यूटिव तुम्हारे कैरियर में एक मोस्ट रोल प्ले करता है। कभी भी इस बात आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत करना कि अरे इसने मेरे को सीएस ईटी क्लियर करवाया तो ये मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव भी क्लियर करवाएगा। डेमो जरूर लेना और डेमो में मैं ये प्रेफर करूंगी बच्चों रिकॉर्डेड के कंपैरिजन में लाइव क्लासेस पे जाओ क्योंकि आप इंटरेक्ट टीचर से तभी रहते हो जब आप लाइव पढ़ते हो। रिकॉर्डेड देखने से तो बेटर है। यूट्यूब में बहुत प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो मिलते हैं सी यू सून फ्रॉम 1 December। ठीक बेटा। ओके बाय। हैव अ नाइस डे। बाय।